हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाई फाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर लेकर मैं आपके समक्ष आ चुका हूं। जैसा कि थंबनेल आपको रीड किया होगा, देखा होगा, यूपी ट्रिपल एससी ने अभी जस्ट कुछ ही मिनटों में एक दो इम्पॉर्टेंट नोटिस जारी किया है। यह विज्ञापन संख्या 25 परीक्षा 2016 के संबंध में और विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2019 के संबंध में दो महत्वपूर्ण नोटिस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इन दोनों परीक्षाओं की टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट यानी आपको पता होगा 21 जून से स्टार्ट हो रही हैं, तो उसके समय में एडमिट कार्ड डाउनलोड के समय नोटिस जारी कर दिया गया है। तो आप जो भी छात्र चयनित हैं वो अपना रिजल्ट यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, एडमिट कार्ड है ना, यहाँ से दे सकते हैं। ये दो है ना, तो इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। आप लोग तुरंत एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए और देखिए आपका एग्जाम किस डेट में, क्योंकि टाइपिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस में आप परीक्षा के रिजल्ट में सम्मिलित हो सकते हैं। नोटिस यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लें, ताकि अधीनस्थ सेवा चयनों की पल पल की खबर आपको सीधे आपके मोबाइल हैंडसेट पर राहुल वाई फाई चैनल के माध्यम से पहुँचा दे सके। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ आप सभी लोगों के लिए जो जरूरी है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के संबंध में आज की नोटिस 14 जून है ना। यहाँ से अवश्य सूचना विज्ञापन संख्या 25 परीक्षा 2016 कंप्यूटर ऑपरेटर संप्रतियोगात्मक परीक्षा 2016 के अंतर्गत विज्ञापित कंप्यूटर ऑपरेटर कुल 79 यानी 79 पदों पर चयन हेतु संपन्न लिखित परीक्षा के उपरांत अगले चरण की अहरकारी प्रकृति के टंकर ज्ञान या गति के परीक्षण हेतु अहर पर आगे 515 अभ्यर्थियों की टंकर परीक्षा आयोजित की जानी है। अब भी कहते हैं आयोग की उक्त सूचना के क्रम में प्रसंगत विज्ञापन के अंतर्गत अगले चरण की अहरकारी प्रकृति के टंकर परीक्षा हेतु अहर पर आगे 515 अभ्यर्थियों द्वारा इतर द्वारा सूचित किया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थियों के टंकर परीक्षा 21 जून को दो पालियों में, प्रथम पाली 10 बजे से, दूसरी पाली 1 बजे से एवं द्वितीय पाली में 2 बजे से और 5 बजे से राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ में आयोजित की जाएगी। टंकर परीक्षा से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि तिथि परिवर्तन के संबंध में आयोग के प्रार्थना पत्र देने वाले उन्हीं अभ्यर्थियों को दिनांक 22 जून को परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। यानी 21 तारीख को सबका 515 का हो जाएगा टाइपिंग टेस्ट, और वो भी अभ्यर्थी उस दिन नहीं हो आ पाएंगे, उन्हें 22 तारीख को जो है उनकी परीक्षा कराई जाएगी। संबंधित अभ्यर्थी उस परीक्षा अपना प्रवेश पत्र आयोग की साइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। नोट अपना आप यहाँ से प्रश्नपत्र जो है एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप सभी लोग अपना डाउनलोड यहाँ कर सकते हैं एडमिट कार्ड है ना। यहाँ विज्ञापन संख्या 25 है और ये विज्ञापन संख्या 4 है, तो दोनों लोग जा करके अपना एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, दूसरी नोटिस आप लोग यहाँ देख सकते हैं, 14 जून की ही नोटिस है। विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2019 के सोम में है ना। 1403 पद हुए 13954 अभ्यर्थियों को एकल चरण की हिंदी और अंग्रेजी टंकर परीक्षा संबंधी सूचना है। आप देख सकते हैं ये परीक्षा आपकी कब से स्टार्ट है, 23 तारीख से, 23 तारीख से लेकर के 28 जून तक ये आपकी परीक्षा, सॉरी 28 जुलाई तक ये आपकी परीक्षा चलेगी। कब तक, 23 जून से लेकर के 28, यानी टोटल बात किया जाए तो 1 महीने ये परीक्षा ऑलमोस्ट आपकी चलेगी, क्योंकि 13954 अभ्यर्थी हैं है ना। तो यहाँ से भी आपके दो पालियों में परीक्षाएं होंगी, और प्रथम पाली 10 से लेकर के 1 बीच और द्वितीय पाली 2 से लेकर के 5 के बीच आपकी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण अलीगंज में लखनऊ में आयोजित की जाएगी है ना। टंकर परीक्षा से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है तिथि परिवर्तन समय जिन्होंने एप्लीकेशन दिया होगा उनकी परीक्षाएँ 29 जुलाई को करा ली जाएगी है ना। आगे देख सकते हैं, बिल्कुल ये ऑफिशियल नोटिस है परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के संबंध में। आई होप खबर आप सभी लोगों को अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा है ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।